हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेडी स्टॉक्स। तो दोस्तों, यहां पर पीएबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। डिटेल में आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूं, तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, पीबी बोर्ड अब बंद करने की तैयारी में है दोस्तों गवर्नमेंट। और दोस्तों यहाँ पे 140,000 भर्ती पर रोक लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आपको क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है, पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, प्रदेश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 140,000 से अधिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया इस साल शुरू नहीं होगी। प्रदेश सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पहले व्यापम से छुटकारे की तैयारी कर रही है, इसलिए नई भर्ती की जिम्मेदारी बोर्ड को नहीं सौंपी जा रही है। बोर्ड में पदस्थ अध्यक्ष सहित 30 अफसर कर्मचारी बिना काम के हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ये खुलासा डीवी स्टार की पड़ताल में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बात ही दोस्तों यहाँ पे है, जो पीवी था दोस्तों, जैसे कि सरकार ने अपने वचन पत्र में यहाँ पे बताया गया था कि पीवी बोर्ड को बंद करके कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर नया बोर्ड बनाया जाएगा। तो दोस्तों अब ये फाइनली तैयारी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, पीवी अब यहाँ पे फाइनल बंद हो जाएगा और इसकी जगह दोस्तों एक नया बोर्ड तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा बताऊँ, जैसे वर्ग एक का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और वर्ग दो का कंडक्ट कराया गया था, दोनों के जो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट हैं दोस्तों यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब पीवी की तरफ से कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका उसको रिजल्ट जारी करना पड़े, इस वजह से तो दोस्तों पीवी अभी तक बंद नहीं किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ग एक वर्ग दो के रिजल्ट घोषित होने के बाद दोस्तों अब पीवी को बंद करने की तैयारी में बिल्कुल सरकार ने अपना कदम बढ़ा लिए हैं। और दोस्तों जो नया बोर्ड बनने वाला है वो दोस्तों अब कभी भी उसका घोषणा हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताऊं दोस्तों, यहाँ पे मंत्री गोविंद सिंह से भी कुछ सवाल पूछे गए थे, तो दोस्तों उनके भी आंसर यही थे कि पीवी को बंद करके बहुत ही जल्दी एक नया बोर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके थ्रू अब दोस्तों जो आगे की भर्ती परीक्षाएं होंगी वो आपकी कंडक्ट की जाएंगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कौन कौन सी भर्ती इस बार होना था, तो दोस्तों यहाँ पे गृह विभाग के आरक्षक के पत्र या जो आरक्षक के पात्रता परीक्षा थी दोस्तों वो कंडक्ट होनी थी, उसके 6,000 लगभग रिक्त पद थे। वहीं गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर के 800 पद रिक्त थे। और दोस्तों वर्ग एक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के दोस्तों यहाँ पे 10,000 पद खाली थे। कौशल विकास दोस्तों जो टीओ की भर्ती रहती थी टेक्निकल ऑफिसर, उसके भी दोस्तों यहाँ पे 200 पद खाली थे। इसके अलावा दोस्तों समूह एक, समूह दो, समूह तीन के 2,000, 4,000 और 5,000 पद खाली थे। दोस्तों इस तरह से इन सभी जो वैकेंसीज थी इन पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन दोस्तों अभी नहीं कराई गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका 2019 में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो दोस्तों, जब भी बोर्ड बन जाएगा उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक आपकी भर्तियां हर महीने दोस्तों यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भर्तियां जो पेंडिंग हो गई यहाँ पे इस साल की जो भर्ती थी। अब जब भी दोस्तों वो चाहे नवंबर में बन जाए बोर्ड या दिसंबर में, जब भी, लेकिन दोस्तों जैसे ही बोर्ड बनेगा उसके कुछ ही दिनों में आपकी भर्ती आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अब बिल्कुल कभी भी आपके सामने भर्ती आ सकती है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी तैयारियाँ आप स्टार्ट रखें, और दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपकी कंडक्ट होंगी परीक्षाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है यहाँ पे पीवी को बंद करने के बाद, नया बोर्ड यहाँ पे बनने के बाद आपके जो कम जो परीक्षाएं का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये सभी जो पीवी बंद करने की कवायद क्यों की जा रही थी ये भी थोड़ा सा दोस्तों अगर डिटेल में आपको जानना है, तो दोस्तों जैसे मैं बता दूँ, व्यापम घोटाला जो था दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा भर्ती घोटाला था, पीएमटी के फर्जीवाड़े और थानेदार आरक्षक वन रक्षक पटवारी शिक्षकों की भर्ती में धांधली के कुख्यात व्यावसायिक परीक्षा मंडल के कारण तत्कालीन भाजपा सरकार की भारी किरकिरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सबसे बड़ी भर्ती घोटाले के तौर पर इस संस्था का नाम आया था दोस्तों। इसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी कर दिया है। चुनाव के पहले और प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों ये जो बोर्ड का नाम जो ख़राब था इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस इसको चेंज करना चाह रही है। कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर दोस्तों यहाँ पे एक नया बोर्ड बनाने जा रही है, ये न्यू गवर्नमेंट है जो कांग्रेस की दोस्तों वो। अब दोस्तों यहाँ पे कब आपके जो नए एग्ज़ाम्स हैं वैकेंसीज हो कब आती हैं दोस्तों उस पर यहाँ पे संशय है दोस्तों थोड़ा सा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम अब वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके वर्ग एक वर्ग दो के जो रिजल्ट की वजह से पीवी बंद होने का जो पेंडिंग काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब दोस्तों
यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात बता दूँ किस विभाग में सबसे पहले भर्ती आ सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर दो विभाग हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित में हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे पुलिस भर्ती और दूसरा दोस्तों वर्ग एक शिक्षक भर्ती। दो भर्ती दोस्तों आपकी सबसे पहले आएंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्ग एक की भर्ती के लगभग 10,000, क्योंकि दोस्तों अभी शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज खाली हैं और दोस्तों शिक्षकों को पहला दर्जा दिया जाता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे शिक्षक के साथ साथ पुलिस की भर्ती दोनों बहुत ही जल्दी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हुआ तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।